हाँ, तो अपन देख रहे थे मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। मेवाड़ के इतिहास में अब नेक्स्ट अपन देखेंगे लाखा, ठीक है। लाखा ये तो इनके माइक्रो है, माइक्रो लास्ट के अंदर अपन देखेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं मेन बिंदुओं के अंदर। काल है 1382 से 1421, तो इससे पहले साहब अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने हमीर देख लिया, हमीर सिसोदिया, उसके बाद उनके बेटे क्षेत्र सिंह देख लिए, और अब नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं लाखा। एल एम के याद रखना, लाखा मोकल कुंभा, तो लाखा लक्ष्य सिंह, ठीक है। खान, इनके समय जावर उदयपुर में चांदी की खान की खोज की गई है ना, चांदी। अब एक्चुअली चांदी क्या है, चांदी एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब फ्री में मिलने वाला, फ्री में मिलने वाला मतलब खनन तो होता है, या खनन के बाद रिफाइनरी, तो रिफाइन तो होता है सीसा व जस्ता, जिसको अपन बोलते हैं लेड एंड जिंक, लेड एंड जिंक, सीसा व जस्ता। और इस लेड एंड जिंक की रिफाइन रिफाइंड या उसके प्योरिफिकेशन के समय निकलती है चांदी, ऐसे है, ठीक है ना। तो यूं बाई प्रोडक्ट है लेड एंड जिंक का, तो लेड एंड जिंक सीसा जस्ता की खान है अपने जावर उदयपुर के अंदर, ठीक है, जावर माइंस, और वहां पे चांदी, भाई लेड एंड जिंक निकला और बाई प्रोडक्ट रूप में चांदी निकल गई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यह है कि जावर के अंदर चांदी की जो माइंस है वो किसके समय आई, तो साहब किसके समय आई, तो यूं याद कैसे रखना अपन को कि भाई चांदी मिलती है 1 लाख रुपए किलो, है कि नहीं है भाई। सोना तो यूं जैसे मान लो सोना तो करोड़ों रुपए किलो, और ये 1 लाख रुपए किलो, ऐसे याद रख लो, चांदी 1 लाख रुपए किलो। तो चांदी कितने रुपए किलो है, 1 लाख रुपए किलो है, लाख। तो लाख से क्या आ जाएगा, लाखा के समय ही होगी, ठीक है। एक तो ये तरीका याद रखने का, दूसरा क्या है, जैसे अपन चूड़ियां पहनती है मिला है लाख की, चांदी के कड़े, है कि नहीं है, ऐसे तो लाख और चांदी के चूड़ियां, तो लाख और चांदी, लाख से तो लाखा हो जाएगा और चांदी की चूड़ियां, ऐसे, ठीक है। और चूड़ियां से कैसे याद आ जाएंगी, चूड़ियां 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 से याद आ जाएगी, ये हंसा देवी वाला एपिसोड पूरा। तो हंसा देवी को चांदी और लाख के चूड़े पहनाए किसने, लाखा ने, ऐसे। ये हंसा देवी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये अपन जावर माइंस का सिस्टम अपन को याद में रखना है, जावर उदयपुर के अंदर। फिर झील है पिछोला झील, इसके समय खुद ने निर्माण नहीं किया, इसके समय पिछोला झील का निर्माण कराया था पिछू नामक बंजारे ने, है ना, पिछोला पिछू बंजारे ने, ठीक है। पिछोला झील पिछू, पिछू बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में, ठीक है, पिछू बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण कराया था, ठीक है। और बंजारे कौन होते हैं, घुमंतू व्यापारी होते हैं बंजारे, ठीक है ना। जैसे जो समय मुल्तान से सामान लेके आते थे और इधर अपने राजस्थान आगरा दिल्ली के अंदर भेजते थे, और फिर यहां से लेके जाते थे उसको मुल्तान में भेजते थे, ऐसे, ठीक है। घुमंतू व्यापारियों को बंजारे बोलते थे, और जिसका हेड होता वो सारथवा कहलाता था, ठीक है। तो पिछोला झील, तो पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ, लाखा के समय हुआ, ऐसे पिछोला, है ना, पिछोला, पिछोला झील। तो आज जो अपन सिटी पैलेस देखते हैं उदयपुर में, उसमें उसमें पीछे की तरफ है जग मंदिर, जग निवास सब इसी में देखेंगे अपन आगे। तो यह पिछोला झील बैल की स्मृति में, गलगी नटनी का चबूतरा भी इसी में ही है, तो पीछे पिछोला, ठीक है, ये याद रखना अपन को, पिछोला, पिछोला झील, राणा लाखा। तो देखो अब लाख, लाखा से लाखा, और पिछोला का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई ये तो पीछू बन जा रहा था, लेकिन पिछोला मतलब पीछे, तो आपके पास चांदी है तो आपके पीछे पड़ गए क्या, चोर पड़ गए आपके पीछे, तो लाख चांदी और पीछे पड़ गए, पीछे 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 पड़ गए ना भाई, चांदी लेके जा रहे हो तो आसान नहीं है सोना चांदी को लेके जाना, है कि नहीं है, तो पीछे पड़ गए चोर, ऐसे याद हो जाएगा। पीछे से पिछोला, चांदी से क्या लाखा, और लाखा से क्या अपने राणा लाखा, ऐसे एक छोटा सा यूं ऐसे एपिसोड बनाना पड़ेगा दिमाग में, तभी याद होगी, नहीं तो याद नहीं होगी, गोल गोल घूम। अब याद करो, आपको थोड़ा सा वो देता हूँ, मैं तो समझा देता हूँ इसका, बताओ मेरे को कि भाई इल्तुतमिश को किसने हराया था भूतला के युद्ध में, आ गया समझ में, समझ में आ गई ना चीज, मैं क्या याद करना चाहता हूँ और क्या क्या मतलब होता है उसका, नहीं समझ में आई ना, अगर इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो ना कि इल्तुतमिश को किसने हराया था भूतला के युद्ध में, है ना, और कौन सेनापति थे जिसने हराया था उसके, अगर आंसर दे पा रहे हो तो आपको उस क्लू का महत्व तो समझ में आ रहा है, और आंसर नहीं दे पा रहे तो क्लू का महत्व तो समझ में नहीं आ रहा, समझ गए। तो ये है 1 लाख रुपए की चांदी, पीछे पड़ गए क्या चोर, चबूतरा, गलगी नटनी का चबूतरा है पिछोला झील में बिजारी नामक स्थान पे, तो गलगी नटनी अभी अपन आगे देखेंगे, सारा एपिसोड आएगा समझ में। तो वैसे गलगी नटनी क्या थी, एक नटनी थी जो जैसे सिंगारी नटनी अपन ने जालोर में देखी थी कानड़ देवी के समय, तो दोनों तरफ रस्सी बांध दी, और लाखा ने बोला कि अगर ये नटनी इधर से चल के पिछोला झील के इस किनारे तक चली जाएगी, बीच में पानी है, तो मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। गलगी नटनी मान गई और इधर से चालू कर दिया, रवाना हो गई, जैसे पहुंचने वाली थी तो लाखा ने देखा अब तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर पहुंच गई तो बीच में इधर से रस्सी कटवा दी जब बीच में थी और ये पानी में समा गई,
तो गलकी नटनी का चबूतरा किस स्थित है, कहाँ? बिजारी नामक स्थान पे, कहाँ? पिछोला झील में, है ना। गलकी नटनी, गलकी, तो गलकी गल गई, कहाँ? पानी में, पिछोला झील में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विद्वान, संस्कृत के विद्वान थे, किसके दरबार में? संस्कृत के विद्वान, संस्कृत संस्कृत भाषा के विद्वान कौन? जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, जे डी, जोटिंग एंड धनेश्वर। धन आ रहा है, धन, धन मतलब लाखा, चांदी, जैसे लाखा बोलो तो चांदी याद रखो, लाखा, धन, चांदी, है ना। तो धन धनाती का आने लग जाती है, इंसान को झटके आने लग जाता है, अरे मैं ये कर लू, अरे मैं ये कर लू, अरे आत्म किसी को नहीं, डाइजेस्ट नहीं होती है कि नहीं है। जैसे ये दौलत शौहरत, दौलत आप समझिए, शौहरत मतलब प्रसिद्धि, ये हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती, बैकफायर कर देती है, कब्जी कर देती है कि नहीं है। तो इंसान बेचैन होने लग जाता है जैसे दौलत शौहरत उसके पास आ जाती है, तो झटके लगने लग जाता है, और मैं क्या करूँ, और मैं क्या करूँ, और मैं क्या करूँ। तो जोटिंग भट्ट, धनेश्वर, धन आने से झटके, ठीक है। तो पहले धन लग दो फिर धन, जोटिंग लिख दो, धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट, ये विद्वान थे। किसके धन किससे आया? चांदी से आया। चांदी कौन लेके आया? लाख 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 रुपए की चांदी, ऐसे पीछे पिछोला जी यू। तो जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी विद्वान? लाखा के। फिर नेक्स्ट आता है इनका एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इंपॉर्टेंट मतलब मोड है, इसमें इनका विवाह होता है जो कि महज एक संयोग था, ठीक है, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से। तो पहले इसको है ना आप ये यहां समझ लो, यहां समझ लो, है ना, ये पेरेंट्री एक बार समझ लो, फिर मैं वो जो अभी ये पैराग्राफ में वो समझा दूंगा। पेरेंट्री देखो कैसे समझना है, ये तो अपने कहानी है मेवाड़ की, ठीक है, ये तो ये वाला कॉलम मेवाड़ का है, ये राठौड़ है, तो सीधी सी बात समझ मारी, ये मारवाड़ का कॉलम है, ठीक है, और फिर ये वापस मेवाड़ का ही कॉलम आ जाएगा, मेवाड़ प्लस मारवाड़, है ना। देखो कैसे, पहले देखो मारवाड़, है ना, मारवाड़ कि मारवाड़ के थे शासक कौन? राव चूंडा राठौड़। तो राव से समझ में आ रहा है, राव क्या है? मारवाड़ के राजाओं की उपाधि है, राव मालदेव, ठीक है, राव चूंडा राठौड़ ऐसे, और रावल अपने मेवाड़ के, राणा मेवाड़ के ऐसे। तो राव मारवाड़ के, और राठौड़, राठौड़ भी अपने मारवाड़ के, तो राव चूड़ा राठौड़ ऐसे आ, ठीक है साहब। राव चूड़ा राठौड़ का लड़का था कौन? रणमल राठौड़। इतना याद रखो अभी, राव चूंडा राठौड़ का पूरा बोलना आप को, चूंडा राठौड़ का लड़का कौन? रणमल राठौड़, ठीक है। हंसाबाई, हंसाबाई नीचे लिखी हुई है, तो हंसाबाई राठौड़ पूरा बोलना अपन को, तो हंसाबाई राठौड़ चूंडा राठौड़ की तो पुत्री थी और रणमल राठौड़ की बहन थी, सेम लाइन में आ रहा है, तो बहन हो गए, ऊपर से नीचे आ रहा है, जनरेशन चेंज होगी तो बेटी, ठीक है। तो हंसाबाई कौन थी, यहां तक समझो, हंसाबाई राव चूड़ा राठौड़ पूरा बोलना, चूंडा या चूड़ा कुछ भी बोल दो, लेकिन राव और राठौड़ लगाना जरूरी है, राव चूंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई, या यूं बोल दो राव चूंडा राठौड़ के पुत्र रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई राठौड़, ठीक है, का विवाह हुआ किसके साथ? लाखा सिसोदिया, या यहां पूरा लिख लो, राणा लाखा सिसोदिया, ठीक है ना, विवाह हुआ। वो कैसे हुआ, क्यों क्यों हुआ, वो अभी अपन देखेंगे, लेकिन पहले इस इतने से सेगमेंट को समझो आप, क्या हंसाबाई कौन थी? राव चूंडा राठौड़ की पुत्री या रणमल राठौड़ की बहन, जिनका विवाह हुआ, हंसाबाई राठौड़ का विवाह हुआ राणा लाखा सिसोदिया, समझ गए इतनी चीज, ये चीज है। अब जहां कंफ्यूजन होता है वो है ये कौन है, ये लाखा सिसोदिया के पुत्र थे कौन? चूंडा, है ना, चूंडा, इसको अपन चूंडा को आप पूरा क्या लिखो, राणा चूंडा सिसोदिया, है ना, राणा इस पर मत लगाओ क्योंकि शासक नहीं बने, है ना, राणा मत लगाओ, केवल सिसोदिया लगा दो, चूंडा सिसोदिया, चूंडा या चूंडा दोनों बोल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिसोदिया बोलना है। तो अपन ने यहां तक क्या देखा, चूंडा चूंडा दो हो गए, एक तो चूंडा राठौड़ हो गए और एक चूंडा सिसोदिया हो गए, बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान में समझ में आ गया ना तो सारा ये एपिसोड समझ में आ जाएगा। चूंडा राठौड़ तो ये ऊपर लिखे हुए हैं और चूंडा सिसोदिया यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मेवाड़ का विष्णु पितामा और इसी के भाई थे राघव देव, राघव, है ना। तो यहां तक अपन को ध्यान में रखना है, एक राघव अपन रतन सिंह में पढ़े थे, वो ब्राह्मण है कि नहीं, कुदृष्टि से जिसने पद्मिनी को देखा, फिर अलाउद्दीन देश निकालने के बाद अलाउद्दीन के पास गया, ठीक है। तो ये देखो, ये तो लिखा हुआ है चूंडा राठौड़ और ये लिखा हुआ है चूंडा सिसोदिया, है ना, पूरा लिख लेना आप चूंडा सिसोदिया, ठीक है। तो चूंडा राठौड़ तो कौन थे, मारवाड़ के शासक थे, जिनकी पुत्री थी हंसाबाई राठौड़, ठीक है। और चूंडा राठौड़ कौन थे, लाखा के पुत्र थे, राणा लाखा के पुत्र थे, राणा लाखा सिसोदिया के पुत्र थे चूंडा सिसोदिया, ठीक है। तो ये ऊपर है, ये नीचे, याद रखना है। तो अभी इतना ही समझो, मैंने आपको अभी ये इतना एपिसोड ये समझाया, समझ में आ गई इतनी चीज, ये क्या नाम ध्यान रखने, एक दो तीन चार और पांच, ये पांच नाम ध्यान रखने, राव चूंडा राठौड़,
फिर रणमल राठौड़, हंसाबाई राठौड़, तो पहले तो इनको याद रखो क्योंकि ये मारवाड़ फैमिली, राव चुंडा राठौड़, राव या राव चुंडा राठौड़, फिर रणमल राठौड़, है ना, क्योंकि इस समय ये राव नहीं लगाएंगे क्योंकि शासक नहीं बना रहा, तो राव चुंडा राठौड़, रणमल राठौड़, हंसाबाई राठौड़, देन लाखा सिसोदिया और अपने राणा लाखा सिसोदिया और अपने चुंडा सिसोदिया, ये पांच नाम याद रखने हैं, ठीक है साहब। और फिर एक है ना, अब बाद में ये चीज हो याद रख लो, मोकल, ये मोकल, अब सीधा से लिखा हुआ हंसाबाई, नीचे लिखा हुआ हंसाबाई के नीचे, तो हंसाबाई का ये पुत्र था, ठीक है, हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र था, कौन, मोकल। तो यहां मैंने आपको समझाया था, जैसे मैंने बताया था, देखो LCM बताया था, तो लाखा, लाखा ये आ गया, चुंडा, चुंडा राठौड़, चुंडा राठौड़ यहाँ, लेकिन ये चुंडा की जो बात है ना, LC, ये चुंडा सिसोदिया है, ये इनके पुत्र है ना, चुंडा सिसोदिया, और देन मोकल, ये मोकल आ गया, तो LCM, और फिर के ये आ गया कुंभा, ऐसे है कि नहीं है। तो ये पेरेंट्री अपन को याद रखना है, सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर ये इतनी सी कहानी आप समझ गए तो। खुली खुली चीज लिखी हुई है, कोई इसमें गोचपोच है ही नहीं, कोई मैंने भी ऐसा है नहीं कि समझाने में को हेरा फेरी करी हो, बिल्कुल सीधा सीधा कटाप को समझाया, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका क्या महत्व है, पहले इधर उधर भटक लो, देख लो, उसके बाद इसका महत्व समझ में आ जाएगा आपको, क्या मैं तो जानता हूं, भटका हुआ हूं इसलिए, है ना। विवाह, पहली बात तो देखो, कितने साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में विवाह हुआ, किससे, आयु में, 62 साल की आयु में मारवाड़ की राजकुमारी हंसा देवी से सशर्त विवाह हुआ, ये देख लो, ये हंसा भाई है ना, कैसा विवाह, सशर्त विवाह, देखो एक्चुअली ये शर्त कहां से आ गई बीच में, ये शर्त यहां से आ गई बीच में, कि राव चुंडा राठौड़ के पुत्र रणबल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई राठौड़ का विवाह करना चाहते थे मेवाड़ के अंदर, ठीक है, तो मेवाड़ में उपयुक्त राजकुमार इनको दिखा, कौन, चुंडा सिसोदिया, ठीक है, तो चुंडा सिसोदिया है ना, तो चुंडा सिसोदिया उपयुक्त राजकुमार इनको दिखे, तो रणबल राठौड़ मेवाड़ के अंदर शादी का प्रस्ताव लेके आए, तो जब वो दरबार में आए मेवाड़ में लाखा सिसोदिया के दरबार में, तो वो दूत था, उस दूत ने भिजवाया संदेशा राणा लाखा को कि कोई शादी का न्योता लेके आया है आपके लिए, शादी का मतलब शादी का एक प्रपोजल लेके आया है, न्योता नहीं, शादी का प्रपोजल लेके आया है, तो वो प्रपोजल एक्चुअली तो था किसके लिए, चुंडा सिसोदिया के लिए, लेकिन चुंडा सिसोदिया उस दिन दरबार में नहीं थे, तो राणा लाखा को लगा कि यार ये मेरे लिए आया है शादी का प्रस्ताव, है कि नहीं है, तो उन्होंने देखा कि ये कौन मेरे से ऐसे गुस्सा, कि कौन ऐसे मजाक कर रहा है कि 62 साल का मैं वृद्ध हूं और मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लाया है, तो रणमल राठौड़ के कानों में भी वो राणा लाखा की गूंज पड़ी कि कौन गुस्सा की इतनी कर रहा है कि नहीं है, तो रणमल राठौड़ ने देखा कि यार क्या, कि चुंडा सिसोदिया तो इस समय है नहीं दरबार के अंदर, लेकिन वो जो गुस्ताखी की आवाज मेरे को सुनाई दे रही है, अगर मैं उसी को प्रस्ताव में बदल दूं तो ये तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, है कि नहीं है, तो चुंडा सिसोदिया को तो कर दिया साइड में किसने, रणमल राठौड़ ने, और वो शादी का प्रस्ताव किसके सामने रख दिया, लाखा के सामने रख दिया। अब चूंकि लाखा थे 62 वर्ष के, है कि नहीं है, और उससे अपनी बिल्कुल यौवन बहन के शादी करना, बिल्कुल लाखा से तो उम्र बहुत ही कम, तो उनसे शादी करना भी अपने आप में चुनौती था, कि रणमल राठौड़ अपनी बहन की जैसे जो दाव पे लगा रहे हैं जीवन, तो वो किसी शर्त पे तो लगाएंगे ना, तभी तो ये जो एज का मिसमैच है ये दूर होएगा, भाई कुछ राणा लाखा ने भी तो चुनौती दे दी थी, लेकिन कुछ कैलकुलेशन रणमल राठौड़ के दिमाग में तो चल रही थी, तो वो कैलकुलेशन जो चल रही थी उसी कैलकुलेशन को अपन बोलते हैं सशर्त विवाह। तो मारवाड़ से जब रवाना हो रहे थे रणमल राठौड़, उस समय तो दिमाग में ये था कि लाखा के पुत्र चुंडा सिसोदिया से विवाह करेंगे अपनी बहन हंसाबाई का, हंसाबाई राठौड़ का, लेकिन जब दरबार में उन्होंने देखा कि चुंडा सिसोदिया तो नहीं है, लेकिन वो जो एक चेतावनी थी लाखा की उनके कान में पड़ी कि कौन ये गुस्ताखी कर रहा है, मुझ 62 साल के सामने जो शादी का प्रस्ताव लाया, तो उनके दिमाग के अंदर वो जो प्रस्ताव था चुंडा सिसोदिया के लिए वो चेंज हो गया, और रणमल राठौड़ ने ये सोचा कि अगर मैं लाखा से अपनी बहन का विवाह कर दूं तो और भी बल्ले बल्ले, क्यों बल्ले बल्ले, क्योंकि लाखा सिसोदिया तो इस समय शासक है, रहना है, चुंडा राठौड़ चुंडा सिसोदिया तो पता नहीं बने कि नहीं बने, है कि नहीं है, अच्छा भाई चुंडा राठौड़ तो पिता है ना, ये चुंडा राठौड़ ये याद काम में नहीं लेना, ये लेना है चुंडा सिसोदिया, ऐसे। तो अब शर्त रखी रणमल राठौड़ ने, शर्त क्या रखी लाखा के सामने, कि मेरी बहन का मैं विवाह तुमसे कर दूंगा, लेकिन फिर जो संतान उत्पन्न होगी ना, वो संतान ही अगला उत्तराधिकारी होगी मेवाड़ का, मतलब लाखा के बाद जो अगला शासक बनेगा वो लाखा का कौन बनेगा, जो संतान उत्पन्न होगी हंसा,
ठीक है साहब, अब लाखा के सामने चुनौती आ गई, ठीक है ना। अब चुनौती यूं कि भाई पुत्र ऑलरेडी था चूंडा, ठीक है, और जो भाई पुत्र ऑलरेडी था और बड़ा भी यही था, तो हक तो इसका है। लेकिन अब सशर्त विवाह हो रहा है, हंसा भाई से विवाह कर रहे हैं, तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही ना, तो खोना पड़ा अपने पुत्र चूंडा से सोलिया। और फिर शर्त रखी गई थी, तो अगला शासक कौन बनेगा लाखा के बाद, ये मुकल बनेगा। तो ये चूंडा ये देखते रह गए, है ना, देखते तो रह गए, लेकिन क्या देखते रह गए, देखते कैसे कि वही अगले शासक ये नहीं बनेंगे मेवाड़ के, क्यों, क्योंकि वो सशर्त विवाह हुआ है। अब भीष्मितम वहां क्यों कहा कि भाई चूंडा को भी फिर बुरा लगा कि यार ठीक है प्रस्ताव मेरे लाया था लेकिन पिताजी ने स्वीकार कर लिया, बुरा लगा, ठीक है। लेकिन बुरा लगने पे अब देखो आप, यहां अपन ने पहले देखे कि मेवाड़ में भी पितरंता हुए हैं, अजमेर में अपन ने देखे है कि नहीं है, तो पितरंता अजमेर में अपन ने जैसे देखे ही है, और अभी पितरंता आगे भी आएंगे, अपने मेवाड़ के अंदर ही आगे आएंगे, कुंभा की हत्या करेगा उसका बेटा ही है कि नहीं है। तो चूंडा भी चाहता था तो यहां अपने पिता की हत्या कर सकता था, पितरंता बन सकता था, या मोकल की हत्या कर सकता था, जैसे बणवीर करने की कोशिश करेंगे, बणवीर सिसोदिया अपन देखेंगे विक्रमादित्य की हत्या करी और फिर उदय सिंह की हत्या करी, तो या तो चूंडा पितरंता बन सकता था लाखा की हत्या करके, या भातरंता बन सकता था मोकल की हत्या करके, जैसे अपन ने अजमेर में देखा ही था है कि नहीं है, जगदेव है ना, जगमाल पितरंता, और अपन ने अपरांगी देखा, वो अपरांगी की हत्या करी है कि नहीं है, ऐसे पृथ्वीराजदित्य ने, पृथ्वीराजदित्य भाई भातरंता अपने अपरांगी की हत्या करी, और पृथ्वीराजदित्य के जो पिताजी थे वो पितरंता जगमाल, तो ये भी आराम से पितरंता या भातरंता बन सकते थे, लेकिन नहीं बने, कंट्रोल किया अपनी महत्वाकांक्षा पर, ठीक है कोई बात नहीं, पिताजी कह रहे हैं, पिताजी ज्यादा समझदार है कह रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली, क्या प्रतिज्ञा ली कि ठीक है जो अगला मेरा भाई होएगा, भाई 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 तो हुआ ना, देखो ये चूड़ा का मोकल जो है भाई हुआ, कि मतलब जो संतान उत्पन्न होगी लाखा और हंसा भाई से उसके फेवर में शासन त्याग दूंगा, ठीक है ये प्रतिज्ञा चूड़ा ने ली। तो वो जो संतान हुई वो संतान कौन थी, मोकल, तो मोकल चूंडा का भाई तो हुआ, भाई देखो लाखा का पुत्र चूंडा है और इधर लाखा का पुत्र भी मोकल ही है, तो चूड़ा एंड मोकल क्या हो गए, भाई भाई हो गए। तो मोकल के फेवर में सिंहासन त्याग दिया किसने, चूंडा सिसोदिया ने, इसलिए मोकल को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह। टीचर्स बुक्स ये बताती है कि इन्होंने अविवाहित रहने की भी कसम खाई, नहीं अविवाहित की नहीं थी, बस शर्त इतनी थी कि त्यागूंगा इसके फेवर में सिंहासन, वो त्याग दिया है ना। चूंडा राठौड़ के तो वंशज आगे अपन देख रहे हैं खूब हुए हैं, चूंडा राठौड़ के वंशज जो है वही चूड़ावत कहलाए, तो चूंडा ने विवाह नहीं किया तो फिर वंशज कहां से आ गए, ऐसे तो विवाह नहीं करने की शर्त नहीं थी, अजीवन अविवाहित रहूंगा वो शर्त नहीं थी, ठीक है ना। फिर चूड़ावत कहां से आ गए, वंशज चूड़ा के वंशज ही चूड़ावत है सलमपुर में, सलमपुर से जुड़े, ऐसा नहीं है। शर्त क्या थी, सिर्फ ये थी, केवल एक ही शर्त की, मोकल के फेवर में सिंहासन त्याग दूंगा, वो उन्होंने त्याग दिया, समझ गए थी जीत ये चीज, ठीक है। तो शर्त क्या थी, आप देख लो वापस देख लो, 62 साल की आयु में मारवाड़ राजकुमारी हंसा देवी से सशर्त विवाह, शर्त क्या थी कि संतान जो उत्पन्न होगी वही अगला उत्तराधिकारी होगी, ठीक है उत्तराधिकारी होगी लाखा का, ठीक है। फिर जो चूड़ा का लाखा का जो पुत्र था चूड़ा सिसोदिया, वो क्या भीष्म पितामह, और राज त्याग की इन्होंने शपथ ली कि वो जो संतान उत्पन्न होगी उसके फेवर में राज त्याग दूंगा, ऐसा चूड़ा सिसोदिया ने शपथ ली, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, मेवाड़ का भीष्म पितामह। अब देखो मेवाड़ का पितरंता भी हो सकता था, वाजिब कारण था इनके पास, तो लाखा की हत्या कर सकता था, लेकिन नहीं। मेवाड़ का भातरंता भी हो सकता था, लेकिन नहीं, मोकल की हत्या करके, लेकिन नहीं, मैं त्याग दूंगा। देखो त्याग किया तभी तो भीष्म पितामह का टाइटल मिला, ये थी, ये है कॉन्सेप्ट, समझ गए। ये चूड़ा भी पितृ, देखो लिखा चूड़ा भी पितरंता या भातरंता बन सकता था, परंतु नहीं, तो त्याग किया तो उपाधि मिल गई भीष्म पितामह, विख्यात हो गए, कुख्यात नहीं हुए। कुख्यात तो क्या होते, पितरंत्रा भातरंत्रा, और विख्यात क्या है, भीष्म पितामह। चूड़ा ने स्वयं की शादी संबंधी कोई शपथ नहीं ली थी, है ना, बुक्स में लिखा हुआ है कि आजीवन अविवाहित रहने की कसम खाई, नहीं ऐसा नहीं है। फिर चूड़ावत कहां ऐसा है इनके वंशज, अगर अविवाहित रहे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ यही है, राज त्याग की शर्त थी, विवाह संबंधी कोई शर्त नहीं थी, ठीक है साहब। फिर यहां अपन ये सारी कहानी समझ ही गए, ये सारी कहानी ये समझ में आई रही अपन को, सारा मैंने आप देखो वापस बताता हूँ। राव चूंडा राठौड़ का पुत्र रणमर राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई राठौड़ का विवाह चूंडा सिसोदिया से करना चाहता था, लेकिन चूंडा सिसोदिया चूंकि उस दिन दरबार में उपलब्ध नहीं थे, तो दरबार में उपलब्ध नहीं थे चूंडा सिसोदिया,
तो उनके पिता लाखा सिसोदिया के कानों में प्रस्ताव पड़ा और फिर पहले तो चेतावनी के रूप में रणमल राठौड़ को वो सुनाई दिया कानों में, लेकिन फिर रणमल राठौड़ ने उसको एक उपयुक्त अवसर मानकर अपनी बहन का विवाह लाखा सिसोदिया से इस शर्त पे किया कि लाखा व हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वही अगला शासक बनेगा मेवाड़ का, मतलब वही अगला राणा होगा। ठीक है, तो ये सशर्त विवाह हुआ और इस शर्त को मान लिया लाखा के पुत्र चूड़ा सिसोदिया ने भी। इसे चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का बिस्पिता कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाई जो संतान उत्पन्न हुई वो भाई वो मोकल के फेवर में हक त्याग या राज त्याग किया। ठीक है साहब, ये राघव अपन को ध्यान रखना। राघव कौन है? राणा लाखा का पुत्र और चूड़ा सिसोदिया का भाई या मोकल का भाई, ये राघव याद रखना। ये राघव, इस राघव की हत्या होगी तभी इस रणमन राठौड़ की हत्या होगी, ऐसे समझना अपन। ठीक है ना, तो राघव राठौड़, राघव सिसोदिया, सॉरी राघव सिसोदिया की जब हत्या होगी तो उसके परिणाम के रूप में ही रणमन राठौड़ की हत्या होगी। तो ये राघव, यहाँ रखो राघव सिसोदिया कौन है? लाखा का पुत्र और चूड़ा का भाई या मोकल का भाई। तो मोकल का भी भाई है, ये सारे जो एक सिदाई में जो लिखे हुए हैं ये सारे भाई भाई तो हैं, ये है कि नहीं है? तो चूड़ा, राघव और मोकल ये भाई भाई है। ठीक है, ऐसे समझना अपन को, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। ओके, ये चीज है। फिर अपन देखते हैं भाई, चूड़ा ने हक त्याग किया, राज त्याग त्यागा, तो चूड़ा को भी बदले में क्या मिले? कुछ विशेषाधिकार मिले। वो विशेषाधिकार क्या? देखो, चूड़ा को सलमपुर ठिकाने की जागीर प्रदान कर सलमपुर को प्रथम श्रेणी का ठिकाना घोषित किया गया। सलमपुर, पहले देखो सलमपुर कहाँ, आज तो अलग जिला है। ठीक है, अपने 4 अगस्त को घोषणा हुई, नोटिफिकेशन निकला 4 अगस्त 2023 को, और क्या है, अलग से जिला आज तो सलमपुर, लेकिन दक्षिणी उदयपुर के अंदर अपने रामगढ़ की तरफ है सलमपुर, एटलस में देखो। ठीक है, सशस्त्र विवाह, मतलब सशस्त्र विवाह तो विशेषाधिकार क्या मिले, चूड़ा ने जो हत्या किया तो सलमपुर की जागीर प्रदान की गई और सलमपुर को प्रथम श्रेणी का ठिकाना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, अभी देखो क्या होते हैं, सब देखेंगे, दिया गया। उस समय मेवाड़ में कुल 16 ठिकाने थे जिसमें से 4 ठिकाने प्रथम श्रेणी के थे, है ना, कुल 16 थे और उसमें से 4 क्या थे, प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। अभी प्रथम श्रेणी के ठिकाने होते हैं ये क्या होते हैं, पहले तो ये 4 देख लो कौन कौन थे, सलमपुर उदयपुर में जिला बना है ना अगस्त 2023 के अंदर, बेगू अपने चित्तौड़ के अंदर, बेगू किसान आंदोलन पढ़ते हैं वो भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, आमेट है, आमेट तहसील राजसमंद के अंदर वो, और देवगढ़ नीचे की तरफ है राजसमंद की तरफ देवगढ़, वो 4 ये अपने क्या थे, 4 ये प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। तो किधर किधर देखे अपन ने, जैसे देखे ये अपने उदयपुर है, तो एक तो सबसे पहले तो दक्षिण में अपन ने देखा उदयपुर में ये सलमपुर, एक यहाँ उत्तर में चित्तौड़ की तरफ देखा अपन ने बेगू, बेगू किसान आंदोलन पढ़ते हैं जो अपन, और 2 इधर उत्तर में अपन राजसमंद के अंदर देखा, एक आमेर देखा और एक देवगढ़ देखा। तो ये प्रथम श्रेणी उदयपुर की तुलना में है, उत्तर दक्षिणी है, एक सलमपुर, बेगू, आमेर और देवगढ़, ये प्रथम श्रेणी के थे 4 ठिकाने। तो मेवाड़ के अंदर टोटल ठिकाने कितने? 16 ठिकाने। क्या होते हैं? सामंतों की सीट्स होती हैं। ठीक है, सामंत राजा के अधीन जो सामंत हैं वो जागीर के प्रमुख। तो 16 थे टोटल ठिकाने, उनमें से 4 थे प्रथम श्रेणी के, कौन कौन? अपने सलमपुर, बेगू, आमेट और देवगढ़। ठीक है साहब, अब देखो विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं इस प्रथम श्रेणी के ठिकाने के, ये सिर्फ चूड़ा के नहीं थे, ये प्रथम श्रेणी के ठिकानों के विशेषाधिकार थे, क्या क्या थे सुनो। राणा के, राणा मतलब जो शासक, राणा के उत्तराधिकारी के चयन के चयन संबंधी प्रश्न पर सलमपुर ठिकाने का, ठिकाने का मत निर्णायक होगा, निर्णायक मतलब इनको वीटो दिया गया, वीटो कि अगला राणा कौन बनेगा, है ना, उसका डिसीजन जब तक फाइनल नहीं होगा जब तक ये सलमपुर ठिकाने के यस नहीं कर रहे, मतलब प्रथम श्रेणी के ठिकाने यस नहीं कर रहे, है कि नहीं है? तो प्रथम श्रेणी के देखो इतना मतलब वीटो पावर थी इन चारों के पास। आज भी जैसे ओपन यूएनओ के अंदर देखते हैं तो जो 5 यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है अपने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन, तो उनके पास वीटो पावर है, अगर एक ने भी ना कर दी तो वो डिसीजन ना है। ऐसे ही इन प्रथम श्रेणी के ठिकानों के पास वीटो पावर थी कि अगला शासक कौन बनेगा, इनकी यस जरूरी थी चारों की, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 थे या 4, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं आज भी, ये 4 है सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ की। फिर उदाहरण थे उदय सिंह के बाद जगमाल को हटा के महाराणा प्रताप को शासक बनाया था 1572 के अंदर, तो किन के कहने पर बनाया, ये इन प्रथम श्रेणी के ठिकानों के कहने पर, उदय सिंह तो जगमाल को बना के गए लेकिन ये अयोग्य था तो प्रताप बने अगले शासक इन प्रथम श्रेणी के ठिकानों के वीटो पावर से। फिर राणा का राज्य अभिषेक सलमपुर ठिकाने का जागीरदार ही करता था, तो पहले तो राणा के चयन में वीटो, फिर राणा जैसे मान लो आप बन गए तो सब आपके जो तिलक लगाएगा, ये तिलक कौन लगाएगा, ये सलमपुर ठिकाने का जागीरदार लगाएगा, प्रथम श्रेणी में तिलक तो एक ही लगाएगा ना, तो कौन लगाएगा, वो सलमपुर ठिकाने का जागीरदार, ये तिलक, तिलक ताजपेशी
भाई पहले तो राणा का चयन हो गया कि चयन हो गया, चेहरा कौन सा बनेगा, फिर इस पर तिलक कौन लगाएगा, तिलक लगाएगा सलम कुटी, समझ गए यहां तक? तो देखो विशेषता दिखा रहे, ऐसे थोड़ी विश्वतामा, जैसे लाखा ने भी कुछ सोच समझ के किया, आपने चुड़ा चुड़ा सुशोधन ने भी कुछ सोच समझ के किया, विशेषाधिकार मिले कि नहीं मिले ऐसे। फिर दो शर्तों के तीसरा, मई पहला तो उत्तराधिकारी का चयन, चयन फिर दूसरा आपने देख लिया राज्याभिषेक, फिर अगले क्या है सर? भाई पहला बिंदु तो वो था क्या, इनको पहला बिंदु तो वो था कि थे कितने, यूं समझ लो ऐसे, ठीक है ना? पहला विशेषाधिकार तो चयन हो गया, दूसरा राज्याभिषेक हो गया, तीसरा विशेषाधिकार है कि जब अनुपस्थित है, मतलब कहने का मतलब जब राणा उपस्थित नहीं होगा राजधानी में उदयपुर के मेवाड़ में, मतलब तब किसकी चलेगी, तब शासन कौन करेगा राणा के स्थान पर? तब शासन करेगा सलमपुर ठिकाने का जागीरदार, ठीक है? राणा की अनुपस्थिति के दौरान मेवाड़ राज्य का प्रमुख सलमपुर ठिकाने का जागीरदार होगा, ये नहीं राणा जी बाहर गए हुए को मेवाड़ का शासन तो संभालेगा ना, वो सलमपुर ठिकाने का जागीरदार। मेवाड़ के सभी राजपत्रों पर राणा के साथ साथ सलमपुर के सामंत के भी हस्ताक्षर होंगे। जैसे मान लो ये कोई ऑर्डर निकाला राणा ने, तो ये तो साइन कर दिए, ऊपर तो साइन कर दिए राणा ने, फिर नीचे तो साइन करेगा, एंडोर्स करेगा, वो एंडोर्स कौन करेगा? सलमपुर ठिकाने का ऐसे साइन। युद्ध के दौरान मेवाड़ की सेना के अग्रभाग हरावल, है ना, अग्रभाग जो होता है सेना का उसको हरावल बोलते हैं, और पश्चिम भाग जो होता है उसको चंदावल बोलते हैं, चंदावल। अग्रभाग है सेना का जो आगे आगे बिल्कुल रहेगा, जैसे मान लो ये अपनी सेना है ना, ये सेना है, ये दुश्मन की सेना है, ये दुश्मन है, ये इधर आपकी सेना है, तो इस अग्रभाग ये हो गया ना ऐसे, क्योंकि दुश्मन की तरफ जो फेस करेगा अग्रभाग, तो अग्रभाग को बोलते हैं हरावल, और पश्चिम भाग जो होता है उसको बोलते हैं चंदावल, ठीक है? तो दुश्मन की तरफ फेस करके ये दुश्मन है, ये आप है, ये एक सामने सामने मुंह एक दूसरे के ऐसे। तो अग्रभाग हरावल को सलमपुर ठिकाने के जागीरदार के नियंत्रण में रहेगा, सेना का पिछली टुकड़ी होती है चंदावल, ठीक है? तो ये अपन को ध्यान में रखनी है चीज। तो ये विशेषाधिकार मिले किसको? अपने राणा लाखा को, मैंने सॉरी राणा लाखा के पुत्र चूड़ा को, और क्यों? क्योंकि उसने त्याग किया और सलमपुर ठिकाने का जागीरदार बना। सबसे पहले तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना 16 में से 4 थे, चार कौन कौन? बेगू हो गया, सॉरी सलमपुर हो गया, बेगू हो गया, अमेट हो गया और देवगढ़ हो गया। फिर इनको विशेषाधिकार मिले टोटल कितने? ये 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहला तो क्या, सबसे मतलब लॉजिकली देखो, सबसे पहले तो चयन होएगा, चयन के बाद क्या हुआ, राज्याभिषेक कर दिया आपने, राज्याभिषेक कर दिया, फिर कभी कभी वो बाहर गया अनुपस्थिति में तो वो रहेंगे, फिर अनुपस्थिति में बाहर गया, फिर जैसे मान लो वही है लेकिन उसने साइन किया तो इनके भी हस्ताक्षर होंगे, है कि नहीं है? और फिर हस्ताक्षर वगैरह सब जब जरूरत पड़ेगी तो युद्ध में पड़ेगी जरूरत, ऐसे तो अग्रभाग को संभालेंगे, आगे रहेंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे ऐसे। तो ये 5 विशेषाधिकार हो गए। तो एक फ्लो में कॉमन सेंस से लगाओ, सब याद हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले चयन, चयन हो गया, फिर राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक के बाद क्या, कभी बाहर गए हुए तो अनुपस्थिति में वो, फिर चौथा साइन इनके भी होंगे किसी भी ऑर्डर पे राणा के, है ना, प्रतिस्ताक्षर, और 5वां सेना, ऐसे याद रखना अपन। तो लॉजिकल तरीका है साहब, चयन हो गया, राज्याभिषेक हो गया, फिर अनुपस्थिति में हो गए, और अनुपस्थिति में भी देखो संभालना बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं? फिर अनुपस्थिति के बाद हस्ताक्षर हो गए, सेना हो गई, ये 5 विशेषाधिकार थे। तो 4 तो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, 5 विशेषाधिकार हो गए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी मेंबर, ऐसे, ठीक है ना ये चीज। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपन अगस्त का जो प्रतियोगिता दर्पण देखिए उसमें अपन देखेंगे कि कैसे ये जो 15 सदस्य होते हैं अपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, तो इन 10 अस्थायियों का चयन कैसे कैसे होता है, तो अगर स्वाय दर्पण में अंतर्राष्ट्रीय में काफी अच्छा समझा रखा, आप देखना एक बार, उसमें समझ में आएगा कि जैसे नाम याद करना तो बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन उनका चयन होता कैसे, कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपने तूफान आते हैं चाहे वो अरब की खाड़ी में चाहे बंगाल की खाड़ी में, नाम याद करने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं है? उनका नाम रखा किस लॉजिक पे जाता है वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ऐसे ऐसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 अस्थायी सदस्यों का नामांकन होता है, इलेक्शन होता है, जैसे इलेक्शन होता है तो वो किस तरीके से होता है, जैसे सबसे ज्यादा अभी तक जापान बना हुआ 12 बार, तो वो किस आधार पर होता है वो, ठीक है ये चीज। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से याद आया, तो उसमें तो अगस्त वाले जो अपने दर्पण है उसके मतलब वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा, देख लो, ठीक है साहब। तो ये इनको प्रथम श्रेणी के ठिकाने के ये इनके क्या हो गए, विशेष अधिकार हो गए। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि तारागढ़ जो है ना, ये क्या है, देखो तारागढ़ ये अजमेर वाला नहीं है, बूंदी का किला है तारागढ़। तो एक्चुअली था क्या ये, क्या एपिसोड है मैं आपको बता देता हूँ। उस समय बूंदी के राजा थे हल्लू या हापा, 1384 से 1400 काल है, जो कि अपने समकालीन है, किसके, लाखा के समकालीन।
ठीक है, बूंदी के शासक हल्लुआपा। तो पहले देखो मेवाड़ और बूंदी किधर है, इधर हाड़ोती में पास पास ही, ठीक है। तो ये तारागढ़ बूंदी का किला काफी इंपॉर्टेंट था, तो लाखा इसको जीतना चाहते थे, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं था। लेकिन लाखा एक बार जीतने गए लेकिन हार के आ गए, ठीक है, हार के आ गए, लेकिन इनके मन में कसक रही कि मैं तो जीत के मानूंगा। अब बताओ जीत के कैसे मानोगे, तुम्हारा ध्यान तो डाइवर्ट हो गया उन सेसर विवाह के ऊपर, टेंशन तो हो ही गई ना लाखा के दिमाग में कि यार अब बेटा चूड़ा सिसोदिया भी नाराज हो गया, विष्णु पितामा कल को विद्रोह कर देगा, पितरन था भातरन था, उधर सेसर विवाह हुआ है, फिर वो मोकल पता नहीं कैसा निकलेगा अग्नि, तो पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब हो गई किसकी, लाखा की। तो कोई भी युद्ध आपको जीतना है, चाहे पढ़ाई जीतनी है चाहे युद्ध जीतना है, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो बूंदी को नहीं जीत सकते थे आप क्योंकि आपकी दिमाग की शांति नष्ट हो गई, ठीक है साहब। तो लेकिन मैं तो जीत के मानूंगा, तो जीत के मानूंगा ना। तो इन्होंने क्या किया, इनके एक सेनापति थे, उन्होंने राय दी कि ऐसा करो तुम मेवाड़ के अंदर ही बूंदी का मिट्टी का किला बना लो और उसको ध्वस्त कर दो, तो जीत की हसरत भी पूरी हो जाएगी और जो तुमने अन्न त्यागा है भाई ले लिया, जब तक मैं बूंदी को नहीं जीता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तो देखेगी ये लाखा जी राणा जी मर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा करो मिट्टी का किला बनाओ मेवाड़ के अंदर, बूंदी का किला बनाओ मेवाड़ के अंदर प्रतीकात्मक और उसको ढहा दो, तो लाखा जी की राणा जी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और ये मरने से भी बच जाएंगे और उधर वो बूंदी को फेस भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा ही फिर किया गया, मेवाड़ के अंदर बूंदी के तारागढ़ की मिट्टी की कलाकृति बनाई गई। जैसे अपन कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना डेमो के रूप के अंदर, जैसे देखो ये यहाँ ऐसे ऐसे एक वो बनता है ना आर्किटेक्चर मिट्टी का डेमो, वैसा बनाया गया और फिर उसको ढाया गया, ठीक है। तो ये भाई राणा लाखा ऐसे पर रहे बूंदी किले को जीतने में, फिर मिट्टी का तारागढ़ बनाया गया मेवाड़ के अंदर। अब उन्होंने देखा कि देखो किसी भी हाड़ा ही हाड़ा है ना, तारागढ़ को तो अपने जीते लेकिन कम से कम किसी हाड़ा जो सेनापति उसकी मृत्यु करेंगे उसकी हत्या करेंगे तभी तो अपन यूं आएगा कि भाई हाड़ाओं को अपन ने हराया है। तो लाखा तो सिसोदिया, इसकी सेना के अंदर एक हाड़ा सैनिक थे जिसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा, तो उस कुंभकर्ण हाड़ा की बिचारी की हत्या करी, ठीक है ना, मतलब कि युद्ध में शहीद हुआ और तारागढ़ बूंदी के मिट्टी के किले को ध्वस्त करके मेवाड़ के शासक राणा लाखा सिसोदिया ने बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की हसरत पूरी करी। तो राणा जी थे कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो यह है, तो भाई अभी मिट्टी का किला है कि एपिसोड किससे जुड़ा हुआ है, राणा लाखा से। किस किले की मिट्टी की कलाकृति बनाई आकृति बनाई गई, तारागढ़ अजमेर, नो कौन सा है, तारागढ़ अपने कौन सा, बूंदी वाला, ऐसे बूंदी वाला है ना। तो बूंदी है ना, बूंद बूंद से बनाई मिट्टी, भाई मिट्टी मिट्टी का किला आपको बनाना है, जैसे बचपन में बनाए होंगे वो मिट्टी को गिलास में भर के और फिर वो गिलास बनाते थे मिट्टी का, मिट्टी के लड्डू मिट्टी के घर, तो मिट्टी को पहले गीला करना जरूरी है। गीला कैसे, बूंद बूंद से गीला करो, पानी की बूंदों से गीला होगा तब वो मिट्टी का किला बनेगा ऐसे, ठीक है। तो मिट्टी का किला किसने बनाया, बूंद बूंद से अपने लाखा ने बनाया, ठीक है। फिर देखो अब लास्ट में हत्या की, लाखा की हत्या हुई, लाखा है ना हत्या, देखो ये क्या, चाचा व मेरा है ना, चाचा व मेरा क्षेत्र सिंह खेता के पुत्र, ठीक है ना, इसके द्वारा हत्या की गई, किसकी, लाखा की, है ना। अब एक मिनट को थोड़ा यहाँ है ना, हत्या लाखा की जो हत्या करी चाचा मेरा ने, क्षेत्र सिंह के पुत्र थे खेता, मैंने बताया था हमीर के बाद जो बने क्षेत्र सिंह उसके उसके पुत्र थे कौन, अपने ये चाचा एंड मेरा। तो चाचा एंड मेरा ने देखो पहले तो लाखा की हत्या करी, इधर ये लाखा इधर लिखे हुए थे अपने लाखा, ठीक है, और लाखा के जो पुत्र इधर अपन देखेंगे मोकल, तो मोकल की भी हत्या कौन करेंगे, चाचा एंड मेरा, ऐसे क्षेत्र सिंह के पुत्र है ना, मैपा पवार के कहने पर। अब देखो ये एक बार मैं आपको बताया था, एक सेकंड रुको, फिर पिछले जल बाद में देखेंगे, एक मिनट यहाँ आओ, जैसे ये देखो है ना, तो मैंने बताया था भाई हमीर के बाद जेत सिंह के बाद अपने चाचा एंड मेरा, तो चाचा एंड मेरा ने पहले तो ये इधर हत्या करी इसकी लाखा की, ठीक है, चाचा एंड मेरा ने, फिर यहाँ इस मोकल की हत्या करी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब बेटे मतलब पिताजी और बेटे जी दोनों शिकार किसके हुए हैं, चाचा एंड मेरा, ठीक है। तो इधर ये सीएम लिख देता हूँ चाचा एंड मेरा, और इधर लिख दिया अपने सीएम चाचा एंड मेरा, और चाचा और मेरा की हत्या करेगा कुंभा, ऐसे बेटे सहन नहीं करेगा, है ना, बेटा सहन नहीं करेगा, थर्ड में मैंने बताया था बेटा सहन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपन और चाचा मेरा मैंने बताई दिया, तो ऊपर अपन देखो यहाँ देखा था क्षेत्र सिंह ये चाचा एंड मेरा, ठीक है। तो हमीर क्षेत्र सिंह और ठीक है, और फिर क्षेत्र सिंह का काल अपन देख रहे हैं 64 से 82 और फिर 82 में आ जाते हैं लाखा, तो क्षेत्र सिंह के पुत्र तो देखते रह गए ना, और इधर लाखा बन गए आगे शासक, इसलिए लाखा की हत्या कर।
समझ गए। तो ये था आपने, ये अपन ने देखा लाखा के बारे में यहां तक। अब थोड़ा सा पिछोला झील के बारे में देख लेते हैं अपन। पिछोला झील देखो, पिछोला झील में जो नदी आके गिरती है वो बेड़च नदी है, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे है, पिछोला झील में आपको बता दो, ए यू अपन देखते देते हैं। आयर नदी उदय सागर में गिरती है तो बेड़च नदी के नाम से बाहर निकलती है, फिर बेड़च नदी आगे जाके झील में गिरती है अपने पिछोला झील, है ना। ये यू है पिछोला झील बेड़च नदी पे। फिर सिसरमा और बूझड़ नदी भी इसके अंदर है, मेन तो बेड़च है, फिर सिसरमा और बूझड़ है ना। और ये बेड़च जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपन देखें तो मान लो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये तो गंभीरी और फिर इधर बेड़च है, फिर ये गंभीरी जाके बेड़च में मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेड़च नदी है पिछोला झील। निर्माण लाखा के समय पीछू बंजारा ने जो मैंने बताया अपने बैल की स्मृति में, तो भाई बंजारे के लिए तो बैल ही होता सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैल ही उस समय यातायात के साधन थे। पक्की पाल का निर्माण कराया उदय सिंह ने, है ना, पक्की पाल, ठीक है, उदय सिंह ने, ठीक है, उदय सिंह। फिर अपन देखेंगे इसी झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात होगी इसी पाल पर, है ना। तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, महाराणा प्रताप खुद नहीं आए थे, अमर सिंह आए थे महाराणा प्रताप, है ना। और ये मान सिंह जो है अकबर के सेनापति के रूप में हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व जो मुलाकात हुई मान सिंह और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बीच में, वो किस पाल पे हुई, उदय सागर, उदय सॉरी अपने पिछोला झील, पिछोला झील की पाल पे हुई। और पक्की पाल का निर्माण कराया था उदय सिंह ने, प्रताप के पिताजी ने, ठीक है। तो पिछोला झील पे चर्चा हुई थी, पिछोला झील की पाल पे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं मुलाकात ये हुई कि फिर एक से मंदिर, तो पिछोला झील में अपन मंदिर देखते हैं। मंदिर, मंदिर कौन कौन से है पिछोला झील में, जग मंदिर है, निर्माता कौन, जगत सिंह प्रथम, जग मंदिर, ठीक है। शाहजहां के समय, शाहजहां, शाहजहां है ना, खुर्रम शाहजहां ने गुजरात अभियान के दौरान यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया था पिछोला झील में। 1857 ने अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे शरण ली थी, ठीक है। तो शरण ली अंग्रेजों ने और सैसे शाहजहां, शाहजहां शाहजहां सैसे आ रहा है, सैसे शाहजहां ने आराम किया, अंग्रेजों ने शरण ली थी 1857 के समय, किसमें, जग मंदिर में। किसने बनाया, जगत सिंह प्रथम ने 1651 में, ठीक है। तो पहले मंदिर प्रथम है ना, मंदिर पहले है। फिर आता है जग निवास, ठीक है, ये कल्चर में मैंने बताया था जग निवास, जग निवास के निर्माता हैं जगत सिंह द्वित्य, है ना। ये जग निवास में आज यहाँ होटल ताज ग्रुप का होटल है अपने लेक पैलेस, है ना, होटल है। तो मंदिर बनाया, मंदिर पहले है जगत सिंह प्रथम, लेक पैलेस होटल, है ना, जग निवास जिसको अपन बोलते हैं होटल, दूसरे ने कौन, जगत सिंह द्वित्य। जगत सिंह द्वित्य वही है जो अपन 1734 में ओडा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। उत्तरी किनारा जो है ये स्वरूप सागर झील कहलाता है, पिछोला झील, पिछोला झील के उत्तर में जो है ये स्वरूप सागर कनेक्टेड है। चबूतरा है गलकी नटनी का चबूतरा, बिजारी नामक स्थान पे, गलकी नटनी कहानी मैंने सुनाई, गलकी नटनी मोकल, है ना, मोकल, मोकल पिछोला झील रस्सी पर पार, है ना, ये इसको हटाओ, ये मोकल नहीं, ये लाखा है, लाखा। पिछोला झील रस्सी पर पार करने की शर्त रखी गई, आधा मेवाड़ जीतने रस्सी काट दी गई, सिंगारी गलकी नटनी, मतलब सिंगारी नटनी जो ये तो जालौर कानड़ जिले से थी, ठीक है। तो दो नटनियां, गलकी नटनी का संबंध अपने मेवाड़ से इलाका, और अपने सिंगारी नटनी का संबंध कानड़ देव सोनग्रा जालौर से संबंधित, दोनों की मृत्यु सेम तरीके से ही है। तो पिछोला झील में अपन ने क्या क्या देखा, बेड़स नदी देखी, जग मंदिर, जग निवास दो अपन ने उसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर देखे, और पाल का निर्माण उदय सिंह, जग मंदिर, जग निवास और गलकी नटनी का चबूतरा इलाका, ठीक है। और ये अपन ने देखा यहाँ पे लाखा। अब लाखा के संबंध में देखो जो इम्पोर्टेंट चीजें माइक्रो के रूप में रिवीजन कर लेते हैं, जावर के अंदर चांदी की खान का, चांदी की या लेडन जिंग की खान का खोज लाखा के समय हुई। पिछोला झील का निर्माण पीछू बंजारे ने कराया, ज्योटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट संस्कृत के विद्वान राणा लाखा के दरबार में, राणा लाखा ने बूंदी के शासक हल्लू आपा को हराने का प्रयास किया लेकिन असफल हुआ, तो फिर बूंदी के तारागढ़ किले की मिट्टी की प्रतिकृति बनाई और उसको नष्ट किया, और कुंभकर्ण हारा का वध किया। हंसाबाई से सशर्त विवाह हुआ, हंसाबाई कौन, मारवाड़ के शासक राव चूंडा राठौड़ की पुत्री और रणमल राठौड़ की बहन, हंसाबाई राठौड़ का सशर्त विवाह हुआ लाखा के साथ। शर्त यह थी कि इनकी जो संतान होगी वही अगला महा मेवाड़ का शासक बनेगी, वो संतान थी मोकल। तो त्याग किया, राज त्याग किया किसने, लाखा के पुत्र कि कौन, चूड़ा सिसोदिया ने, इसलिए चूड़ा सिसोदिया को बोलते हैं अपन मेवाड़ का पितामह। उनको क्या विशेष अधिकार मिले, चूड़ा को सलमपुर प्रथम श्रेणी का ठिकाना बना 16 में से 4, ठीक है ना। और इनको 5 विशेष अधिकार दिए गए, क्या, निर्णायक मत,
होगा इनके पास वीटो होगा, राज्याभिषेक करेंगे, मेवाड़ प्रमुख जब अब्सेंट होंगे राणा हस्ताक्षर करेंगे राणा के बाद, और हरावल सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करेंगे। पिछड़ा झील में अपन क्या देखते हैं, बेड़ा नदी किनारे सिसरमा व भूजड़ झील के नदी के किनारे बेड़ झील बंजारे पीछू बंजारे ने निर्माण कराया था अपनी बैल की स्मृति में। मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने कराया, वहां शाहजहां ने गुजरात अभियान के दौरान रेस्ट किया था, 1857 में अंग्रेजों ने वहां पर शरण ली थी। जगनिवास का निर्माण करवाया जगत सिंह द्वितीय पिछोला झील में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जग मंदिर और जगनिवास अपन किस में पाते हैं, पिछोला झील। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, इनकी भी फोटो दिखाई थी, जग मंदिर पीले कलर के था, बिल्डिंग मैंने बताई थी जो दक्षिणी किनारे पे है, ठीक है, और जगनिवास व्हाइट कलर में बिल्कुल बिल्डिंग है कि नहीं, व्हाइट कलर में वो होटल है जो उत्तरी किनारे पे पिछोला झील में, पूरी दिखाया था मैंने आपको, पूरी इमेजेस लगी हुई, देखो आर्ट एंड कल्चर वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है साहब। तो ये लाखा देखा अपन और पिछोला झील देखी अपन ने, तो ये लाखा के बारे में था। LM क्या है, तो लाखा LCM था, लाखा चूड़ा और मोकल, है ना। अब ये मोकल नेक्स्ट शासक आएंगे अपने, मोकल पिछोला झील देख लिया, पिछोला मोकल है, ये मोकल आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट शासक अपन देखिए मोकल, और मोकल के बाद आएंगे कुंभा। तो ऐसे एक एक करके आराम से धीरे धीरे चलने दो, एक एक शासक को रोज पर्टिकुलर एक एक समय देखो तो अच्छा याद हो जाएगा, और ध्यान रखो कि चल किस कहाँ रहे अपन, मेवाड़ में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। और जो मैं क्लू बता रहा हूँ ना छोटे छोटे, उन क्लू को याद रखो और खुद के भी बनाओ, बगैर क्लू के कुछ नहीं होगा, बता देता हूँ, ओके बाय।